हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल। ट्रिपल सी मेंस कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंडेटरी होता है। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट देना होता है। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट पाना काफी इजी है। इसको आप ऑनलाइन घर से अप्लाई कर सकते हैं और सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको गूगल पे सर्च करना है, स्टूडेंट नेलिट आपको टाइप करना है, स्टूडेंट नेलिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वाले साइट पे ओपन करना है student.nelit.gov.in। यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप नोटिफिकेशन ओपन होगा, इसको क्रॉस कर देंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे दिख जाएगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी ट्रिपल सी, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने ये इसका पूरा PDF यहाँ पे आपके सामने नजर आएगा, आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ सकते हो। और यहाँ पे इसके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ट्रिपल सी वाला एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देना है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है। एंड यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको नो रखना है। अगर इससे पहले आपने ट्रिपल सी का रजिस्ट्रेशन किया है, एग्जाम दिया है और फेल हो चुके हैं और दोबारा करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रीवियस रोल नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, आपका सारा डिटेल आ जाएगा एंड आप फिर से पेमेंट कर सकते हैं और अपना डेट ले सकते हैं एग्जाम का, ठीक है। मेरे केस में न्यू एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल मिस्टर मिसेज जो भी है, तो यहाँ पे मिस्टर चूज करेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे किसी दूसरे कैंडिडेट का फील कर रहा हूँ तो उनकी डाटा मेरे पास है, उनके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे चलिए फुल नेम आपको टाइप करना है, केयर ऑफ में माता पिता, यहाँ पे अगर आपके कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम यहाँ पे टाइप करना है, ओके, ठीक है। देन यहाँ पे अपने मदर का नाम डालना है एंड यहाँ पे जेंडर चूज करना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे मेल फीमेल श्री श्रीमती जो भी आप चूज करेंगे उसी के बिहेव पे ये मेल फीमेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अगर यहाँ पे श्रीमती करेंगे तो ये यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टर कर देते हैं, ओके। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐसे यहाँ से ऑप्शन आता है, यहाँ से पहले ईयर चूज करना है, डेट ले लेंगे, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। देन यहाँ पे कैटेगरी वर्ग, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो यहाँ पे ओबीसी। एंड यहाँ पे ऑक्यूपेशन आप करते क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इन ऑप्शन को फिल कर लेते हैं और यहाँ पे दिव्यांग, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे EWS आर्थिक है, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट डिटेल, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्रेस में आपको पंचायत का नाम डालना है, फिर गाँव का नाम डालना है, देन अपने पोस्ट का नाम डालना है, देन यहाँ पे सिटी नेम डाल देना है आपको, देन पे स्टेट सेलेक्ट करना है जो भी आपका स्टेट होगा। मेरे केस में ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये बिहार स्टेट के हैं तो बिहार चूज करेंगे और इनका डिस्ट्रिक्ट गया, पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे एजुकेशन चूज करना है तो ये ग्रेजुएट हैं, ईयर ऑफ पासिंग मतलब ग्रेजुएशन कौन से ईयर में इन्होंने पास किया था, 2019। सिक्स नंबर में एग्जामिनेशन डिटेल्स में आप यहाँ से डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से आए हुए हैं तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट चूज करेंगे और जिस इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन ली है उसको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा स्टेट, फिर यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे शो करेगा, जैसे स्टेट चूज करेंगे तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिस्ट में शो कर जाएगा। देन आपको यहाँ पे डेट लेना है, बट मेरे केस में डायरेक्ट लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे साबित होता है कि आप दो तरीके से एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से और दूसरा डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट जाएंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट है जो ट्रिपल सी का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो नेलिट से अफिलियेटेड है और वो इस कोर्स को कराते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी ट्रिपल सी का कोर्स कर सकते हैं, इनके पास नॉलेज है कंप्यूटर की, ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट एवरी मंथ एग्जाम साइकिल, डेट यहाँ से ले लेना है, देखिए यहाँ पे मंथ शो कर रहा है, यहाँ पे मंथ चूज करेंगे अगस्त, हर मंथ में ट्रिपल सी का ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ये अगस्त में होगा। और यहाँ पे आपको फीस शो कर रहा है 590 रुपए का, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एग्जामिनेशन लोकेशन इस पे क्लिक करेंगे, परीक्षा केंद्र पे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन लोकेशन दूसरा एग्जाम सेंटर चूज करना है आपको, बिहार, ये भी हम बिहार स्टेट में कर देते हैं क्योंकि जिनका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो दो लोकेशन हमें चूज करने का ऑप्शन होता है और दोनों ही चूज करना होता है क्योंकि दोनों मैंडेटरी है। यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है, देन यहाँ पे अपलोड फोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेलेक्ट किया,
अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम यहाँ से सिग्नेचर लेंगे अपना, ये भी 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 13 KB में। फोटो रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने का जो प्रोसेस है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया है, और एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाई है जिसके थ्रू आप अपने फोटो को ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की या फिर फोटोशॉप की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे थंबनेल, तो अंगूठे को आपको क्या करना है, अंगूठे को इंक पैड से टच करके एक कोरे कागज पे थंब लगा के और फिर उसका फोटो खींचना है और यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से थंबनेल शो करेगा, देन यहाँ पे इस कैप्चे को टाइप करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फाइनली हमें इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्रीड करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही फॉर्म कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपका यहाँ पे थंबनेल और सिग्नेचर और ये बारकोड दिखेगा, देन यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इसको हम सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। पेमेंट का ऑप्शन है, CSC के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं कोई भी कैटेगरी आपके पास जो भी हो आप चूज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है CSC SP भी, और ये ऑप्शन वर्क भी करता है, लेकिन इसका एक दूसरा मेथड है, उस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बट यहाँ पे मैं ऑनलाइन प्रोसेस यूज करूंगा, ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे UPI ऑप्शन चूज कर लेता हूँ भीम का, एंड यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। 590 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पे, और ये पेमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप घर से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गो टू होम पेज पे क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।